तो दोस्तों एक बार मैं फिर आ गया हूँ उस लड़के से मिलने। वो नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो आज हम देखेंगे वो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है। तो जैसे कि हम इससे मिलने वाले हैं, अब देखते हैं। तो ये है वो जुगाड़। तो भाई साहब क्या बन रहा है आज नया कुछ जुगाड़? अच्छा ये कार का फायदा यार चल रही ना ये। हाँ नुपला टिकी तो भी चलेगी, नुपला टिकी तो चौबीस चलेगी, मतलब रुकने का नाम नहीं है इसका। अब देखना क्या डेमो दिखाई है। हमें डेमो दिखाते हैं अभी, ये देखो डेमो उसका। वो तो चलते ही बड़ी शानदार लग रही है। तो जैसा कि हमें इसका भाई अब टॉर्क दिखाने वाला है कि इसमें कितना टॉर्क है, कितना लोड खा सकती है ये। उसके लिए एक ईट चाहिए। तो भाई साहब कुछ भी ले लीजिए। अरे ये रखी, ये इतने सारे तगड़ी सीट चाहिए इसके लिए। ये खींच देगी ये। ये धागा टूटेगा तो नहीं भाई? नहीं मजबूत है तो रील। मुझे तो लग रहा है टूट जाएगा। नहीं टूटेगा। हम कौन सा इंसान खींच रहे इसे? चलो देखते हैं तुम्हारी तुम्हारी गाड़ी है उसको खींच पाएगी या नहीं। तो ये किस किस जगह पे काम आ सकती है अगर ये खींच पाई? ये तो चलने लगी भाई। ये इसमें स्विच नहीं है, तार टच करने पड़ते हैं। अच्छा गरीब आदमी भाई स्विच हमने लगा सके। तो करिए शुरू, देखते हैं। अरे वाह ने तो ये खींच दिया, क्या बात है। खैच तो नहीं भाई, बड़ा बहुत सही काम नहीं कर रही। रुको एक मिनट रुको, बस वो कट जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर का सिस्टम। तो इसके तुम बेल्ट बदलने वाले हो अब? डबल बेल्ट है, सिंगल बेल्ट करने वाला हूँ मैं। अच्छा अब ये सिंगल बेल्ट पर काम चलेगी क्योंकि डबल बेल्ट है, लोड मान रही थी ये। अच्छा ऐसा भी मैटर है। पट्टा कटा है उसका भी। अच्छा बढ़िया। तो दोस्तों इसको दोबारा चलाते हैं। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो देखते हैं अब दोबारा इसमें खींच पाती है कि नहीं। अरे वाह तो खींच रही है, अब की बार तो खींच रही है सही। मतलब लाइट भी लगी है भाई, पीछे लगी है, पीछे लाइट पीछे ये अंधेरा काम आती है। अच्छा अब देखना आप कितनी भरती है, अब देखना किस स्पीड। दोस्तों देखना ये थोड़ा सा पथरीली जमीन है यहाँ पर, अब देखें चलते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा ताटा चुके दुआ लगाने पड़ेंगे, स्विच नहीं लगाया इसमें। टूट गया बैल्ट, टूट गई। तो दोस्तों जैसे देखिए ये अंदर से बहुत हीट हो चुका है इसका इंजन, इसकी बैटरी भी डाउन हो चुकी है। अब ये मोटर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है यार, बहुत ज्यादा हीट है इसमें, हाथ भी नहीं लगा जा रहा है। ये इसका पट्टा है क्योंकि ये बहुत देर तक काफी देर तक चलाई इन्होंने, इस वजह से इसकी मोटर हीट हो चुकी है। और देखो इसकी ये यहाँ पे लाइट लगी हुई थी, लाइट चला सकते हैं। ये रात के टाइम जो लाइट जल चुकी है,
देख इतना हीट होने के बावजूद भी मोटर अभी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा ट्राई करते हैं खुला, तो एक बार इसको दोबारा ट्राई कर रहे हैं हवा लगा के, क्योंकि बेल्ट चढ़ने के बाद हवा नहीं लग पाती ना, वो बाहर की एटमोसफेयर नहीं मिल पाता इसको। देखो किस तरह से काम कर रहा है, गियर सही काम कर रहा है, लेकिन महक अब भी आ रही है इसमें से, इतने ज़्यादा हीट हो चुका है मोटर। देखो अभी पहिया सही तरीके से घूम रहा है इसका, बेल्ट के अंदर गिर दी। दोस्तों ये तो पट्टा जो लगाया ना इसमें, ये गलती से थोड़ा ज़्यादा टाइट लग गया, इसकी वजह से ये मोटर जो है लोड मान रहा है। तो आपने कितने दिन में तैयार किया ये? आपका एक पट्टा उतर गया है मुझे लगता है। नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छल्ले का है, कुछ चलाने के लिए हेल्प करते हैं बस। जी अभी देखो काफ़ी अच्छी चल रही है, इतने हीट होने के बाद हम थोड़ा सा प्लान मुझे लगता है इसकी बैटरी डाउन हो गई। नहीं भाई अब भी इसमें कुछ दम है तो चल रहा है। क्या कमी आ रही है इसमें, ऐसे गियर मोटर खराब हो रही है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया इसका मोटर, जिसकी वजह से ये इसमें जो फिक्स नहीं बैठ रहा, वो बार बार हिल रहा, देख रहे हैं आप जो कैसे हिल रहा है इसका, ये ज़्यादा ठीक नहीं बैठ रहा इसमें, ये इसका भी ठंड होने दो, उसके बाद चलाएंगे। देखो मोटर मोटर घूम रहा है, गियर नहीं घूम रहा। मैं आपकी अभी आपको होगी सर क्या साफ कर लेते उसका। तो दोस्तों इसको हम अंधेरे में दिखा रहे हैं कार को, क्योंकि इसकी लाइट है वो दिख नहीं रही में, तो अंधेरे में बिल्कुल क्लियर दिखेगी। तो इसकी जो लाइट है वो पीछे तरफ है और आगे तरफ चलती है, ये देखो। तो अभी आप देखेंगे कि इस पट्टी को कैसे जाती है, लकड़ी का रास्ता लगाया यहाँ पर। गियर, गियर, गियर। मुझे लगता है गियर चला गया। अगर गियर लगाएगा